उन्हें बोला 7:45 पे आपने वहाँ पहुँचना है, लाजिम पहुँचना है। और हमें कितने पहुँचे हैं? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ईद-ए-फितर मुबारक हो आप सबको। मैं एकदम खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, हंसते खेलते एंजॉय कर रहे होंगे। भाई एक व्लॉग जो मैं 2 दिन से अपलोड कर रहा था, अभी अपलोड किया था पहले, वो जो मैं कर दूँगा यहाँ पे आई आइकन पे पिन कर दूँगा, वो देख लीजिएगा। लाजम लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तो और सेकेंड व्लॉग चांद लगता है इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। ओके हम भाई नेक्स्ट फ्लोर सरा हिसाब किताब जरा एडिट भी खुद करना होता है, हर चीज़ मैंने मैनेज करनी होती है, इसलिए होता है। बाकी भाई अभी टाइम लगा गया, सिर्फ 1.5 घंटा नमाज में जल्दी रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, फिर चलते हैं नमाज पढ़ने, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में, रेडी हो जाएं। 2000 years later ते जब भी मिलो पहले इनू मिलो मैनू मैं वो भी नहीं उठ सकता। की करना तू की ले ओके खैर करे अभी रेडी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, क्या शर्ट हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह छोने लग रहे हैं, चल झूठा। और बाकी अब जरा जूती साफ करें, साफ करके उसके बाद चलते हैं इंशाल्लाह ईद की नमाज पढ़ने, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कपड़ा जैसे साफ करना, बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में। शामी भाई आ जाओ यार, शराम भाई का वेट कर रहे हैं, बस शराम भाई आते हैं चलते हैं नमाज पढ़ने। शामी भाई यार माशाल्लाह सोने बच्चे बन के तैयार हुए हैं, छापर तो पूरे सी रखी है, चादर ले आओ कोई और भी की गल है पूरे नहीं चाचा एक मिनट में गल दे, जाय नमाज है ती जाय नमाज ते फिर चार चार जाने पैणे, पूरा पिंड ऐसा ही बाणा ही ती जाय नमाज एक एक ते एक एक ही आना ना, आ जान माल आ जान माल आ अंदर खड़ा किया शायद पता नहीं मैंने, बाकी माशाल्लाह अल्लाह की कसम चप्पल मैं भी पानी लेकिन मेरी चप्पल में दस्तर पा गया, दस्तर मेरी चप्पल पा गया, मैंने चप्पल पा जानी खेड़ी कितने पा ली है मैं, मैं व्लॉगिंग यू नो डकी बैग छोटा भरा चाचू साइड से निकल जाते हैं पढ़ा वाड़े पढ़ा चला दी मम्मी आया की है ओए चला सी अपनी चाचू चलिए भाई खैर मैं आंटी बड़ा गौर करना है, हैदर ने नहीं आना भाई, तो भाई अभी आ रहे हैं किसकी नमाज पढ़ने, ईद उल फितर ईद साल बाद पढ़नी होंगी, आप उत्तर लोग नमाज पढ़ी दी हो पढ़ी दी ये गल नहीं कहनी, नहीं तो कोई मौलवी टकर गया मौलवी ने फतवा जारी कर देना ही कुल्लू वाला अबे भी काफिर चलते हैं ईद की नमाज पढ़ते हैं, पहले लेट हो गए हैं, एक ट्रेवल की वजह से लेट है, 45 मिनट में आ जाना है, तो आज पवा अगले नमाज पढ़ के आ गए हूँ। बाकी भाई चलते हैं 15 मिनट हम उसने बोला था मौलवी साहब ने वही मुड़ गए आ जा उसने मुड़ गए, उन्होंने बोला 7:45 पे आपने वहाँ पहुँचना है लाजिम पहुँचना है, और हमें कितने बजे पहुँचते हैं 7:45 रहेंगे आप शूट 7:45 हम घर से निकले हैं, बच्चे हैं सुपरमैन के बच्चे हैं, चलो खैर चलते हैं ईदगाह पे ईद की नमाज पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं सर जो भी हिसाब किताब होगा।
मिलते हैं थोड़ी देर में वहां पहुंच के। ट्रांसफर लाने बूट पा रहे हो ट्रांसफर लाने छड़ दे जेपी ने पाते थे कराची नहीं है ईद मरे जनाब देनदारी करी मिल जा हम लोग तुसी मिल लो ईद मरे है ना भाई ईद मरे हम मिलेंगे आप लोग ईद मरे बड़े ईद मरे तीन बारी थोड़ा बोल ले जाऊँ ना छोटा A few moments later. So yeah guys, अभी हम आ गए घर बस हो गई है सांस फूल रही है एंड और रात के हम लोग सोए भी नहीं है तो अभी नींद आई हुई है हमें सोने लगे हैं तो अभी थोड़ी देर क्या रहे हैं 9 बजे अभी पौने नौ हो गए हैं तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह वेट करेंगे सोएंगे उठेंगे उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हमें क्या करना है। ईद तो भाई बीबी बाजियों की होती है हमारी से 100 की गुजरती है अभी जाके सोना है तो मिलते हैं चला मतलब थोड़ी सी नींद पूरी करके 6.5 hours later गुड मॉर्निंग अभी सो के उठे हैं 5 बजे भाई यही हमारी ईद है ईद की नमाज पढ़ के आगे पढ़ी है ईद की नमाज पढ़ के घर आए हैं घर आके खाना खाया उसके बाद अल्लाह से पढ़ हम सो गए हैं सही है अभी उठे हैं अब नेक्स्ट देखते हैं रात तक हमें क्या क्या करना है क्या नहीं करना है बहुत ही बोरिंग डे गुजर रहा है बहुत बोरिंग डे कि सो जाओ सो के उठो नमाज पढ़ो फिर सो जाओ बस यही हमारी चल रहा सीन तो बाकी चलते हैं थोड़ी देर बाहर निकलते हैं अली भाई वगैरह सबसे मिलते हैं ईद उसके देखते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह क्या क्या होता है क्या इन्जॉयमेंट कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ व्लॉग पसंद आ रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं थोड़ी देर में ईदी नहीं लभदी लड़ाई हो गई जेब तो कढ़ ला यार अदर यार खिंच दे मेरी भी मेरी की भी खिंच मुझ गरीब की खरीद दो मुझ गरीब अभी चंगी आई है वहां भारी अल्लाह हम फोटो क्लिक करवा लेते हैं मिलते हैं इंशाल्लाह।
ਯਾਦ ਖੋਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਯਾਦ ਯਾਦ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਭਾਈ अपने खड़ जी थोड़े बैठते हैं लोग कट्ठे हल्ला गुला करते हैं फैमिली सारी फैमिली वीडियो ना देखते हैं हम लोग जाने अपने घर वहाँ पर थोड़ा इंजॉय करेंगे थोड़ा फन वगैरह करेंगे थोड़ा हंसी मजाक करेंगे उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे आजकल तो बोरिंग दिन था और बहुत ही करो सो के गुजरा तो होप सो ये ब्लॉग थोड़ा बहुत आपको पसंद आया ही होगा इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अभी जायद भाई को लेते हैं जायद भी ताल्लुक लग गया तारा भाई ओके फिर चलते हैं इंशाल्लाह घर और मिलते हैं फिर आवर्स लेटर किरा कुर्ता पाया जेड उड़दा नहीं सारे मैच के जेड उड़ तू देखे नहीं यार नहीं देखा तू बाकी नहीं देखा उधर जरा ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਲੋਗੋ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲਿਆਸ ਲੈ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਅਨਸਟੇਜ ਨਾ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਆਲਾ ਚਾਚੂ ਸ਼ਾਹਦ ਕੋ ਚਲ ਜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਚਾਚੂ ਕੋ ਸਟਿਕਰ ਪਏ ਹੋਏ ਝੂਠਿਆ ਝੂਠਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਚੱਲ ਜਾ ਕਿਆ ਪਾਵਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਟਿਕਟ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਜਾਓ ਫਿਰ ਘੜੇ ਬਹੁ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਆਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਇਆ ਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਬਸ ਸਹੀ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਦਾਂ ਲੋ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੁਣ ਬਸ ਸਹੀ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ ਕੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਤੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਓਕੇ ਬਰਾ ईद मारे की कोड़ा पैड़े अल्लाह माफी दे स्कर्टून ड्राइविंग कर रहे ओए ओए हेलो हेलो ओ जियो मैच स्कर्टून ड्राइविंग कर रहे पांच पांच वाले दो है गए एक भी है एक है का इधर इधर आ जति इधर आ कोई कल मौत नहीं हाफ साहब ही अपने हाफ साहब ही आए होए हाफ साहब राती बहुत ड्रामा लग गया तुहाडे कोल आया उथे लोकी घरां छड्डन जांदे ते उहनां दे बुए अगे खलोते दुआ मंगदे अल्लाह दी कसम हैदर बैठे जे वड़ गया किसी के तो दुआ यही यही मजे तो दुआ मंगो हेलो दुल्ला मैं कहना वा ओ मैं कह जी होना ते कुर्सी अपनी लै के हैं मैं कह कुर्सी ले आवे ना उधर पईयां वा भाई इधर अंदर ताले लगे आ बाकी अभी शुगर देखना था तो शुगर देखना तुम्हें कि ना नहीं आना मैं ज्यादा करना मैं खाना पकड़ा हो गया फतराना मोग गया भाई फतराना मोग गया कुर्सी आओगी अंदर वाड़न देना तू आ जा शामी इधर साइज ही है नहीं जी भाई इन्हें क्या व्लॉग बना मैं क्या व्लॉग बनाना हूँ तू जो आ चक्कर ना अपना बना रहे मेरे मुंह वालों करके स्ट्राइक करो नहीं एक मिनट केनू क्या ऑनियन प्याज नु कहिए चुप चलो चलो यार ना चलो चलो यार भैया इन मंजी नहीं मिटाना दो तीन पार्ट कट किए हैं भाई भाई मैं उस पर ब्लॉग मैं सिंपल ही बात है मैं उस पर ब्लॉग एड कर ही नहीं सकता
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂ ਦਾ ਦਿਨਾ ਦੋਤੇ ਭਈ ਐ 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 मैं देख रहा यार मैं व्लॉग की किधरों मैं एडिट करांगा मैं कुछ 6-7 क्लिप होने चाहिए अपलोड पाए नहीं है सर्च नहीं किए उसे कमेंट मेरी गाल सुन ला वो लोग गाल 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 करता ओए मुंह दे वाजनी है गाल गाल ओए नाम भी है अमीर नु नहीं हो छेड़ा सिंह बुलाई उन्हें मैं भी बुलाई ओ सॉरी तेरे पैसे सी हां जी तेरे पैसे सी पीनट भी खिलाई है उन्हें किन्ना 300 हां जी 90 रुपए दी ओ ते किन्ने दी मैं 70 से चल हां 10 ठीक आ रहे 300 चलो खैर भाई मौसम बड़ा टाइट हो गया मौसम वाकई बहुत प्यारा हो चुका ना वंड खाओ ते खंड खाओ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੰਡ ਖਾਓ ਤੇ ਖੰਡ ਖਾਓ ਬਸ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਓ ਅੱਛਾ ਖਾਓ ਚੀਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਖੰਡ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਯੂ ਨੋ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਅਹਿਮਦ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਡਿਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਆਪ ਵੀ ਵਲੋਗ ਮੈਂ ਆਏ ਹਮਾਰੇ ਵਲੋਗ ਕੋ 4 ਚਾਂਦ ਲਗੇ ਆਪਕਾ ਐਡਾ ਮੋਹ ਹੈ ਕਿ ਵਲੋਗ ਕੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਪੜਾ ਕੈਮਰੇ ਕੋ ਹੈਲੋ ਮੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੀਆਂ ਜਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਆ ਤੂੰ ਨਾ ਮੂੰਹ ਜਾਮਣਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈ ਇਹ ਸਭ ਸੌਰੀ ਆ ਸੌਰੀ ਫੋਰ ਨਾਟ ਸੌਰੀ ਖੈਰ ਚਲਤੇ ਹੈ ਓਕੇ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ बोल बोल खैर गाइस आज करते हैं ब्लॉग यहीं पे एंड बस तो वही आज सही है फर्स्ट डे में हमने किया तो कुछ ब्लॉग बना दिया बस हो गया हल बनना आया हमने भाई किया तो कुछ नहीं आज किया है मुझसे पूछो चुप हो जा तो गाइस आज करते हैं ब्लॉग यहीं पे एंड चुप कर मैं कुत्ते मुर्गा बन जा नहीं बनना सब ठीक है आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड हवा चलने लग पड़ी है मौसम बहुत प्यारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र है ठीक है तो आज के करते हैं ब्लॉगिंग पे एंड क्योंकि आज बोरिंग डे गुजरा लेकिन चलो फन थोड़ा बहुत हमें जो लास्ट में करते किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फिर मान लो खुदा हाफिज़ अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा।